नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रजिया सज्जाद जहीर की प्रसिद्ध कहानी नमक। ये कहानी भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद कुछ परिवार भारत से पाकिस्तान विस्थापित हो जाते हैं और कुछ पाकिस्तान के भारत में आ जाते हैं, लेकिन विभाजन होने के बाद भी जो जहां जन्मा पला बड़ा वह अपनी मातृभूमि से विमुख नहीं हो पाता है। उसका मोह अपनी मातृभूमि अपने वतन के प्रति समाप्त नहीं होता। चाहे वह आज भारत में रह रहा है, लेकिन उसको उसका वतन लाहौर या पाकिस्तान ही लगता है। ऐसे ही पात्रों की यह कहानी है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी लेखिका रजिया सज्जाद जहीर, जिनका जन्म 1917 में अजमेर में हुआ था। मूलतः ये उर्दू की कथाकार हैं। इन्होंने बीए की शिक्षा घर पर ही प्राप्त की और इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले। रजिया सज्जाद की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास है। इनकी एक और विशेषता है कि ये सामंजस्य स्थापित करना चाहती हैं, सामाजिक सद्भाव को स्थापित करना चाहती हैं। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये भेद खत्म करना चाहती हैं अपनी कहानियों के माध्यम से। रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। चलिए बच्चों, ये कहानी को हम विस्तार से समझ लेते हैं। सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी, बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और इसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जो कि दूसरे पार्ट में होंगे। अंत तक कहानी को सुनिएगा, बहुत ही अच्छी प्रेरणादायी कहानी है। उन सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई, किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। तो लेखिका बताती है कि एक मुस्लिम महिला रहती है सफिया करके और एक सिख बीवी रहती है। तो सिख बीबी को देखकर जो मुस्लिम महिला रहती है सफिया, वो हैरान हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी सूरत, उसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती है। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें, जिसमें नेकी, मोहब्बत, रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी, कि जो उसकी माँ की विशेषताएं थी वही ये सिख बीबी में उसको दिखाई दे रही थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। तो समझ में आया बच्चों कि जो ये सफिया है सिख बीबी को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी शक्ल एकदम उसकी माँ से हूबहू मिलती है। वही चमकदार आंखें, वही भारी भरकम शरीर और वही मन में नेकी और मोहब्बत जैसी उसकी विशेषता, ये सब देखने को उसको मिलती है। जब सफिया ने कई बार उसकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। तो बार बार जब वह अपनी माँ जैसी सिख बीबी को देख रही थी सफिया, तो सिख बीबी ने भी अपनी बहू से पूछा कि ये कौन है। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उन्हें बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है। तो ये सफिया जो है ये भी लाहौर से है, सिख बीबी भी लाहौर से है। जब सिख बीबी को पता चला उनकी बहू से कि सफिया कल लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, तो वह तुरंत उसके पास आई, क्योंकि उसको भी लाहौर से बहुत लगाव था। वहां के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे की रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। तो ये यहाँ पर लाहौर की विशेषता बताई है, लाहौर शहर की। तो बच्चों आपसे पूछा जा सकता है एक लाइन वाले आंसर में, ठीक है, ध्यान रखना है। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। आहिस्ता आहिस्ता मतलब धीरे धीरे। सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे,
हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो लाहौर ही है, तो सिख बीवी आज भी अपना वतन लाहौर को ही मानती है। भारत आकर वह बस गई, बिजनेस शुरू कर दिया, कोठी बना ली, लेकिन फिर भी मन में लाहौर ही बैठा हुआ है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह आ जाती है। साड़ा लाहौर, साड़ा लाहौर मतलब अपना लाहौर। तो इस तरह से बार बार उसको लाहौर की याद आती है सिख बीवी को। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। कीर्तन मतलब सिख बीवी के घर में हो रहा था, वहीं पे सफिया उससे मिलती है और बातों ही बातों में लाहौर की बातें दोनों जन करती हैं। तो जब कीर्तन खत्म हुआ तो प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी। तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो सफिया तो लाहौर जाना चाहती थी, तो इसके लिए सिख बीबी से पूछती है कि अगर आपको कुछ चाहिए वहां से तो बताइए, मैं लेकर आती हूँ। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। तो उसने क्या मंगाया? लाहौरी नमक। 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की सामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियां, उसका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दे। दोस्तों अजीजों की यह हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ मतलब वो बहुत दिन के बाद अपने भाइयों से मिली थी, तो इतनी सारी उसकी खातिरदारी हो रही थी। किसकी? सफिया की। लाहौर गई थी तो वहां पर सब मिलने वाले रिश्तेदार, भाई बहन बहुत ही प्यार से उसकी इज्जत खातिरी कर रहे थे। कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर ले जाएं, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक गुड़िया की, जिसमें कोई शेर भर लाहौरी नमक था। तो उसने सिख बीबी के लिए नमक ले लिया था और उसकी समस्या थी कि उसको लेकर कैसे जाऊंगी। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था, उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? क्योंकि दो देश हैं और सामान इधर से आए या उधर से आए तो सामान की चेकिंग होती है। तो अपने पुलिस अफसर भाई से पूछा कि क्या मैं नमक लेकर जा सकती हूँ? वह हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। तो इस तरह से देखो, इस वाक्य से कहीं ना कहीं लेखिका ने ये बताने का प्रयास किया है कि भेदभाव की भावना फिर भी मन में बैठी हुई थी। अपने बहन को ही भाई, पुलिस भाई ने ये बता दिया कि आप लोगों के हिस्से में तो नमक ज्यादा आया था, फिर यहाँ से नमक क्यों लेकर जाना चाहती है। वह झुंझला गई, मतलब सफिया को बहुत गुस्सा आया। मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यहीं से मंगवाया है। तो सिख बीवी को वह अपनी माँ मानती है और बोलती है कि मुझे हिस्से से क्या लेना देना, वो आप लोग सोचो, मुझे तो सिर्फ लाहौरी नमक चाहिए क्योंकि मेरी माँ ने मंगाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी, मतलब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था उससे पहले ही माँ खत्म हो चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है, अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामने की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, कानून जो है। तो बोले कि देखो, मैं तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कस्टम वाले आपके सामान की तलाशी लेंगे, आपका सामान भी बिखरेगा, आपको तकलीफ होगी, सब उठाना पड़ेगा आपको, और फिर वो कानूनी कार्यवाही करेंगे वो अलग। तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं सहनी पड़े इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इस तरह से उसके भाई ने अपनी बहन को समझाया कि यहाँ से नमक मत लेकर जाओ। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। तो बोली, मैं कोई छुपा के नहीं ले जाना चाहती, मैं तो प्यार से, शालीनता से, इज्जत के साथ नमक लेकर जाना चाहती हूँ, तो कोई चोरी नहीं कर रही हूँ जो मेरे ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी। भाई ये तो आप बहुत ही गलत बात करेंगे, कानून? अरे फिर वही कानून वानून कहे जाते हो क्या? सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मोहब्बत मुरे
मुरौवत आदमियत इंसानियत के नहीं होते, आखिर कस्टम वाले भी इंसान ही होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। तो इस तरह से सभ्या बताती है कि जरूरी है कि कानून के ऊपर कुछ नहीं है, मोहब्बत नहीं है, इंसानियत नहीं है, आदमियत नहीं है। जो आप कानून की बातें करते हो हर बार, हर जगह तो कानून लागू नहीं होता ना, कहीं कहीं इंसानियत भी काम आती है कि नहीं। तो हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। तो तुम बहना अपनी शायराना अंदाज बंद करो, वे शायर नहीं होते, वे कवि भी नहीं होते, वो अपनी ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी निभाते हैं, उनका काम ये है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी न करें, एक तोहफा है वह भी चंद पैसों का, शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई चीज भी नहीं, ब्लैक मार्केट का माल भी नहीं, तो कोई मैं काला बाजारी नहीं कर रही हूँ और कोई सोना चांदी भी नहीं लेकर जा रही हूँ, एक उपहार के रूप में एक छोटी सी चंद पैसों की चीज लेकर जा रही हूँ, उसके लिए भी क्या मेरी चेकिंग करेंगे या मुझे मेरे ऊपर कुछ कानूनी कार्यवाही करेंगे? अब आपसे कौन बहस करे? तो भाई ने भी हार मान ली। आप अदीब ठहरी, सही, अदीबों का दिमाग थोड़ा सा जरूर ही घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी, आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं। तो भाई समझा रहा है कि आपको लेकर जाने भी नहीं देंगे नमक, और इसके पीछे हम लोगों की भी बदनामी होगी। उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। रही दिमाग की बात, तो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो ये दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। तो इस तरह से बताती है कि हम अदीब आप बोल रहे हो, अगर सारी दुनिया हम अदीबों की जैसी होती तो ये दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता, अपने भैया को इस तरह से वो बोलती है। सफिया ने अपने भाई को जवाब दिया कि कस्टम वालों को हम कितना जानते हैं, ये तो बाद की बात है, लेकिन अगर वो लोग ये जान लें कि हम सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो ये दुनिया कुछ बेहतर ही हो जाती। अदीबों मतलब साहित्यकारों की जैसे, तो हम साहित्यकार जैसे सब लोग होते तो ये दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। ये अपने भाई से वो इस तरह से बोलती हैं। फिर देखो बच्चों, ये सफिया है, नमक की पोटली बांधे हुए है, किन्नू रखे हुए हैं, तो टोकरी में सबसे नीचे नमक रखेगी, फिर किन्नू से उसको ढककर ले जाना चाहती है ना। फिर मारे गुस्से से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। किसकी आंखों में? सफिया की आंखों में। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। फिर दूसरे दिन उसको रवाना होना था और सुबह के लिए वह बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था उसका। उसने सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके सामान बांधने लगी और इधर उधर फैली चीज़ों को समेट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ दो चीज़ें रह गई थी, एक तो छोटी सी टोकरी जिसमें किन्नू थे और एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल। किन्नू किसे कहते हैं? संतरे और माल्टे को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये एक दोस्त की तरफ से तोहफा दिया गया था। माल्टे की तरह ही रंगीन और मीठा होता है और संतरे की तरह नाजुक होता है। और दूसरी उसके पास जो चीज़ थी जिसका उसको पैकिंग करनी थी वह थी नमक की पुड़िया, जो अपनी माँ के लिए लाहौर से ले जाना चाहती थी भारत। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। अपने भाई के साथ उसकी जो झेप हुई थी वो गुस्सा अभी वह ख़त्म हो चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। अब वह सोच रही थी कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, मुझे नमक कैसे ले जाना है ये मुझे दिमाग लगाना चाहिए। तो वह बोली कि नमक की पुड़िया तो ले जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? तो इस तरह से वह सोचती है कि हाथ में ही रख लेती हूँ पुड़िया और सबसे पहले वो कस्टम वाले जो चेकिंग करते हैं सामान उनको दिखा देती हूँ कि मेरे हाथ में नमक है, मैं ले जाना चाहती हूँ। नहीं ले जाने देंगे तो ठीक है, लेकिन बाद में सोचती है कि नहीं, वह तो अपनी माँ से वायदा करके आई थी कि वह नमक ज़रूर लेके आएगी, तो फिर क्या होगा? तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अगर इसे किन्नुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो किन्नुओं को देर में भला कौन देखेगा? मतलब इतने किन्नुओं का जो ढेर है टोकरी में उसको नीचे तक कौन देखेगा? उसको नीचे नीचे मैं रख लेती हूँ। तो इस तरह का प्लान वह बनाती है।
उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी, मतलब पैंदे में, उसको किन्नू की टोकरी के पैंदे में नमक की पुड़िया रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा, फिर महसूस किया मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी रही, पुड़िया को तकती रही। उसको लावरी नमक से इतना लगाव कि उसको तक रही थी बार बार कि हाँ मैं इसको लेकर ही जाऊंगी यहाँ से, इस तरह से वह सोच रही थी। फिर वह सोचती है कि कैसे उसकी माँ बचपन में उसको कहानियाँ सुनाती थी और जिसमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था, मतलब अपनी छाती चीर कर उसमें हीरा छिपा लेता था। काश मेरे पास भी ऐसी तरकीब होती कि मैं भी कहीं ना कहीं इसको छिपा लेती पुड़िया को। तो इस तरह की तरकीब वह दिमाग में लाती है। फिर वह किन्नुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। फिर वह आश्वस्त हो गई कि मैंने एकदम से पुड़िया को छुपा दिया है किन्नुओं में। फिर देखो, रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना सा दरखत सामने की दीवारों पर पत्तियों के अक्ष पर लहरा रहा था। कभी किसी तरफ से, कभी किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। तो रात की 1:30 बजे का ये माहौल था। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी। उसने बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहां हम लोग नहीं आ सकते? इस तरह से उसके भतीजे और भतीजियां थी, वो पूछते थे कि फूफी जान आप ही हिंदुस्तान क्यों रहती हैं जबकि हम सब यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं और हम वहाँ आ भी नहीं सकते। उन सबके और सफिया के बीच एक सरहद थी, मतलब एक सीमा थी, बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कस्टम वह स्थान होता है जहाँ पर सामान की चेकिंग की जाती है। तो वह स्थान के कारण आना जाना और दोनों का आपस में मिलना दूभर था। कल वह लाहौर चली जाएगी, हो सकता है साल भर फिर आए। एक साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती, ये भी हो सकता है कि अब कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई दिया जिस पर जहां तहां सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहां से आए तो बहुत दिन हो गए, यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो लाहौर ही है। चाहे कुछ भी हो वहाँ पर, भारत में कोठी भी है, बिजनेस भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारा वतन तो लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास में फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौलसीरी की खुशबू। मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे बैठे दो इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास, जैसे दो बेजान परछाइयाँ। तो वो दो इंसान कौन थे? ये मतलब चुपचाप बैठे हुए थे और पूरा वहाँ का लाहौर का नक्शा चित्र बनकर उनकी आंखों में आ गया। सफिया की आंखों में पूरा दिख रहा है उसको कि किस तरह का हमारा लाहौर है। तो तुम कल चली जाओगी? मतलब दो जन पूछते हैं। हाँ, अब कब आओगे? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ ये कि नींद में करवट लेते उसका हाथ किन्नुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे किन्नु जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। तो उसके दोस्त ने ही उससे पूछा था कि तुम चली जाओगी, फिर आओगी कब? तो बोले कि पता नहीं, एक साल बाद भी आ सकती हूँ और शायद कभी नहीं। तो इस तरह से उसने, जो दोस्त ने, जो किन्नुओं की टोकरी जो दी थी उसको, वो देते हुए कहा था कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफिया फर्स्ट क्लास की वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहा था। तो उसका भाई उसके साथ था और दिल्ली तक का किराया उसने, भाई ने उसका भरा था। वह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में किन्नुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। तो वह नमक की पुड़िया के बारे में लगातार सोच ही रही थी
कि सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं लेकिन किसी को नहीं पता है कि मैंने नमक छुपाया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसने एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का ये तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली जिसमें उसका पर्स का पैसों का पर्स और पासपोर्ट भी थे। तो उसने नमक की पुड़िया टोकरी से निकालकर अपने पर्स में रख ली कि मैं चोरी से नहीं लेकर जाऊंगी, मोहब्बत का ये तोहफा है ये मैं दिखाकर ही लेके जाऊंगी। जब सामान कस्टम होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं पर एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खीचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने थे मगर उन पर कुछ जंच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकी जाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भरकर उसे गौर से देखा, बोला, फरमाइए, मतलब कहिए। उनके लहजे से सफिया की हिम्मत बढ़ी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा, मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती हैं, अपने अजीबों से मिलने आई होंगी, अजीजों मतलब अपने रिश्तेदारों से मिलने आई होंगी, तो आप तो हमारे साइड की ही लगती हैं। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं, आपको आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली है। तो ये देखो, ये पाकिस्तान पहुंच गए थे लेकिन इनका वतन दिल्ली था, और सफिया जिसका वतन पाकिस्तान था वो भारत पहुंच गई थी। तो इस तरह दोनों की कहानी एक ही थी। सफिया ने हैंडबैग मेज़ पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उसने सब कुछ बता दिया। तो उस अफसर को, कस्टम ऑफिसर को, सब कुछ सफिया ने साफ साफ बता दिया कि मैं नमक ले जाना चाहती हूँ लेकिन ये चेकिंग के चक्कर में मैं ये नमक नहीं ले जा पा रही हूँ। सारी बातें उसने धीरे धीरे करके बता दी। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात ख़त्म हो गई तो उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया और अच्छी तरह लपेटा और उस सफिया के बैग में डालते हुए बोला, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है कि मोहब्बत के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। कस्टम क्या करेगा, मोहब्बत को कोई नहीं जीत सकता। ये तो प्यार का तोहफा है, मोहब्बत का तोहफा है, आप इसको ले जाइए। तो ऑफिसर की भी कहानी कुछ ऐसी रही होगी, इसके लिए उसको सफिया पर मतलब रहम आया, उसने वो पुड़िया सफिया को दे दी। वह चलने लगी तो वे खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से ऑफिसर ने अपने मन की बात कही कि वो जो भी हैं महिला हैं उनको मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर उनका आज भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा वतन है। धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जो लेखिका आगे बताती है कि कस्टम ऑफिसर से बात करने के बाद सफिया आगे दूसरे प्लेटफार्म पर बढ़ गई और कस्टम ऑफिसर ने कहा कि रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा, मुझे मेरे भारत दिल्ली से लगाव है, आपको लाहौर से लगाव है। और कस्टम ऑफिसर ने रजिया का मतलब सफिया का साथ दिया तो सफिया आगे निकल आई, दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ी। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और बिचे हुए होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। तो लाहौर से ट्रेन आगे निकल चुकी थी और पाकिस्तानी पुलिस तो वहीं उतर गई, हिंदुस्तानी पुलिस उसमें सवार हो चुकी थी। अब हिंदुस्तानी पुलिस उनका सामान चेक करने वाली थी। एक जबान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे। गालियां भी एक सी ही थी जिसके दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथ में थी। तो ये हिंदुस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी पुलिस दोनों की बात कर रही हैं। सफिया बता रही हैं कि दोनों के ही हाथों में बंदूक थी लेकिन दोनों दिख रहे थे एक जैसे ही, और एक जैसी ही गाली थी, एक जैसी ही सूरत थी, उनके कपड़े भी एक जैसे ही थे।
लेकिन बस मुश्किल ये थी कि दोनों के हाथ में बंदूक थी। मतलब जो दुश्मनी का एहसास है वो लेखिका यहाँ बताना चाहती है। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका। वह उन नौजवान कस्टम ऑफिसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा, इस तरह उसको लगा कि ये बंगाली है कस्टम अफसर जो है वो। और उसके सामने भी वह अपने आप से ही नमक की पुड़िया दिखा दी कि देखिए मेरे पास थोड़ा सा नमक है। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उसकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते झिझकते हिचकिचाते उनको सब कुछ कह सुनाया। इधर भी कस्टम अफसर को सारी बात उसने कह सुनाई। उन्होंने सिर झुका लिया, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उन्हें देखते, फिर सुनते। बात पूरी हो गई। उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे देखा और धीरे से बोले, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा था, उसके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते हिचकिचाई, वे मुस्कुराकर बोले, आइए आइए ना। तो सफिया हिचकिचा रही थी कि पता नहीं क्या बोलेंगे अभी, लेकिन उन्होंने बड़े ही प्यार से इज्जत से बोला, आइए ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। सफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैरों तले की जमीन खिसकने लगी। पैरों तले जमीन खिसकने लगना मतलब सब कुछ उसको एकदम घबराहट होने लगी कि पता नहीं अब उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि एक पुलिस वाले को बुला रहे थे जो कस्टम अफसर थे वो। अब क्या होगा, सोचने लगी। दो चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया, एकदम घूर रहा था। और पुलिस वाले को उसने इशारा किया कि दो चाय लेकर आओ। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची, उसमें अंदर दूर तक हाथ डाला, एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी। टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे, शमसुली इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े फक से जवाब दिया, फक मतलब एकदम गर्व से जवाब दिया कि मैं ढाका का हूँ। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मतलब जब बंटवारा हुआ। तो उनके साथ भी वही हुआ जो दिल्ली वाले कस्टम अफसर के साथ हुआ था, वो भी बंटवारे के कारण वहाँ आ गए थे और ये भी बंटवारे के कारण ढाका से इधर आ गए थे। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे ये किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। इस तरह से उसने जो कस्टम अफसर था उसने आप बीती सुनाई कि बंटवारे के टाइम में 12-13 वर्ष का ही था, लेकिन मेरे दोस्त था एक और बचपन में ही हम पढ़े एक साथ, उसने मुझे ये किताब उस समय दी थी, लेकिन हम वतन आते जाते रहते थे। वतन? सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा, वतन मतलब देश, तुम्हारा वतन? मैंने आपसे कहा ना मेरा वतन ढाका है, उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा। हाँ हाँ ठीक है, सफिया जल्दी से बोली। तो पहले बस इधर ही कष्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है जैसे नमक यहाँ होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है, हमारी जमीन हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। तो जिस तरह से सफिया को लाहौरी नमक से लगाव था, लाहौरी नमक कैसे भी करके लेके ही जाना था, वैसे ही जो ढाका के ये ऑफिसर थे उनको भी ढाका की जो है डाब वो ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो बोले, कलकत्ता में भी मिलती है लेकिन हमारे वहाँ की डाब का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। तो उनकी बैग की और नमक की पुड़िया की हिफाजत करने के हिसाब से
बैग खुद ही उठा लिया, आगे आगे चल पड़े और पीछे पीछे सफिया भी चल पड़ी। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ या उस तरफ। तो सफिया ये सोचने पर मजबूर हो गई कि ये कैसे मैं समझूं कि किसका वतन कहाँ है। सब अपने अपने वतन से सबको लगाव है लेकिन सब वतन से दूर हैं। तो इस पाठ के माध्यम से यही संदेश दिया है कि भले ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया लेकिन फिर भी आपस में दोनों मुल्कों के लोगों के बीच में आपसी प्रेम आज भी है। प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर संकलित किए गए हैं। अगर इन प्रश्न उत्तरों का PDF आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से सभी प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए एक एक प्रश्न का मैं विस्तार से उत्तर समझाने वाली हूँ और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा और कोई प्रश्न पूछना है इस पाठ से, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं, बने रहिएगा अंत तक और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। देखिए ये पहला प्रश्न है जो कि 2009 और 2013 दोनों में पूछा हुआ है, फिर से पूछा जा सकता है। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? नमक की पुड़िया को लेकर सफिया के मन में ये द्वंद्व था कि वह नमक कस्टम अधिकारियों को दिखाकर ले जाए या चोरी से छिपाकर। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया क्योंकि पाकिस्तान से भारत को नमक का निर्यात प्रतिबंधित था, ये गैर कानूनी था। दूसरे कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया निकल आने पर बाकी सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे, इससे बदनामी भी होगी। और तीसरे, भारत में पर्याप्त मात्रा में नमक है। तो ये इसका उत्तर दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है जो 2012 में पूछा है, 15 में भी और 17 में भी। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? इसका उत्तर, जब भावना के बदले बुद्धि हावी होने लगी तो सफिया का मन द्वंद्व ग्रस्त हो गया। वह सोचने लगी कि कस्टम वाले पुड़िया ले जाने देंगे या नहीं, यदि उन्होंने उसे न जाने दिया तो उसके वायदे का क्या होगा, वही वायदा जो उसने सिख बीबी से किया था। सफिया जो कि सैयद थी इसलिए उसने सोचा कि यदि वह नमक न ले गई तो क्या होगा, क्योंकि सैयद लोग कभी भी वायदा नहीं तोड़ते, जान देकर भी यह वादा पूरा करना होगा। तो ये मन में द्वंद्व चल रहा था कि अगर मैं नहीं लेकर गई तो मैंने जो सिख बीबी से वादा किया था उसका क्या होगा, और दूसरी बात ये थी कि वह सैयद थी और सैयद लोग कभी अपनी बात से मुकरते नहीं, तो यही द्वंद्व उसके मन में चल रहा था। प्रश्न नंबर 3, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो इधर कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सिख बीबी का प्रसंग छिड़ने पर उन्हें अपने वतन की याद आ रही थी, वे सिख बीबी व सफिया की भावना से भी प्रभावित थे, उन्हें दूसरी जगह आकर भी अपने वतन की चीज़ें बहुत याद आ रही थी। राजनीतिक उद्देश्यों ने सबको एक दूसरे से अलग कर दिया था। प्रश्न नंबर 4, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, इन उद्गारों से यही स्पष्ट होता है कि चाहे राजनीतिक या भूगोल देश की सीमाओं को बांट दे अथवा देश को टुकड़ों में बांट दे, लेकिन लोगों के मन को नहीं अलग किया जा सकता। लोगों का मन किसी भी तरह से इस बंटवारे को नहीं स्वीकारता। एक पाकिस्तानी को दिल्ली प्यारी है तो एक हिंदुस्तानी को लाहौर प्यारा है, जो कि हमने नमक पाठ से ये देख ही लिया था कि किस तरह से एक को लाहौर से लगाव है तो एक को दिल्ली से लगाव है। प्रश्न नंबर 5, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे,
नमक ले जाते समय सफिया के मन में अनेक द्वंद्व उठे। इसके उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। पहला है भावुक। सफिया भावुक है। वह सिख बीबी की भावनाओं को मानती है तथा उसी के आधार पर लाहौरी नमक भारत ले जाना चाहती है। ये गैर कानूनी है, ये जानते हुए भी वह भावनाओं को बड़ा मानती है। दूसरा है वायदे की पक्की। सफिया सैयद है। सैयद होने के नाते वह अपने वायदे को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती है। तीसरा है व्यवहारिक। सफिया व्यवहारिक है। वह प्रेम के तोहफे को चोरी से नहीं ले जाना चाहती। वह दोनों देशों के कस्टम अधिकारियों के सामने अपनी बात रखती है तथा अपने तर्कों से उन्हें अपने पक्ष में करने में सफल हो जाती है। इस तरीके से वह नमक की पुड़िया ले जाने में सफल हो जाती है। देखो किस तरह से पॉइंट में बनाकर ये सफिया के बारे में उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताई हैं। आपको भी वैसे ही बताना है। पहला भाव, फिर वायदे की पक्की, तीसरा व्यवहारिक। तो पॉइंट अगर दिमाग में रखोगे तो उसके आधार पर आप वाक्य अपने आप तैयार कर लोगे। आगे है प्रश्न नंबर 6, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से जमीन और जनता बट नहीं जाती। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि कीजिए, जो कि 2008, 2011 और 2014 में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर इस प्रकार है। राजनीतिक और कूटनीति के चलते देश के टुकड़े हो जाते हैं। देश कई टुकड़ों में बंट जाता है। भारत की कूटनीति का भारत भी कूटनीति का शिकार रहा है। भारत आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के कारण 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। लेकिन सौभाग्य इस बात का है कि लोगों के दिलों में किसी भी प्रकार की दरार नहीं खींची। लोग आज भी एक दूसरे से मिलते हैं, उनमें वही भाईचारा और प्यार कायम है। हिंदुस्तान में इन दोनों देशों के नागरिक आते जाते हैं, यहाँ के नागरिक इन देशों में जाते हैं और वे एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं। प्रश्न नंबर 7, नमक कहानी में भारत व पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला है कैसे? तो ये भी 2010 और 11 लगातार आया हुआ है। नमक कहानी में भारत व पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। उनमें प्रेम और स्नेह का स्वाद है। इस स्वाद में अपनापन है। लेखिका का अपने भाइयों परिचितों से स्नेह, सिख बीबी का लाहौर से लगाव, कस्टम अधिकारियों का दिल्ली व ढाका से जुड़ाव, ये सब दोनों देशों की जनता के बीच स्नेह को दर्शाते हैं। आगे है, क्या विभाजन से दिल्ली में दरार पड़ जाती है? इसका उत्तर है, बिल्कुल नहीं। विभाजन तो राजनीतिज्ञों अथवा भौगोलिक परिस्थितियों की देन है। विभाजन दो देशों, दो सरहदों के बीच होता है, लेकिन लोगों के दिलों में कभी दरार नहीं पड़ती। उनकी संवेदनाएँ, भावनाएँ वहीं रहती हैं। वे कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। शरीर रूप से बेशक जुदा हो जाए, लेकिन मन से कभी भी नहीं। प्रश्न नंबर 12, नमक कहानी की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। ये 2017 में पूछा हुआ है कि इस नमक कहानी की प्रासंगिकता पर विचार करना है। इसका उत्तर है, नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित लोगों के दिलों को टटोलती मार्मिक कहानी है। लाहौर से आई सिख बीबी लाहौर को अपना वतन मानती है तथा लेखिका को वहां से नमक लाने को कहती है। पाकिस्तान में कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन मानता है और उसे नमक ले जाने देता है। दिल्ली का कस्टम अधिकारी ढाका को अपना वतन मानता है। वस्तुतः जमीन पर खींची हुई रेखाएँ लोगों के दिलों को नहीं बांटती हैं। अगला प्रश्न है, सिख बीबी की शारीरिक बनावट के बारे में लेखिका ने क्या कहा? तो सिख बीबी की शारीरिक बनावट के बारे में सफिया के माध्यम से ये कहा गया कि लेखिका कहती है कि उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम शरीर, जिसमें छोटी छोटी चमकदार आँखें, जिसमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसे ही सफ़ेद बारी मलमल का दुपट्टा जैसी उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। तो वह जो सिख बीबी है,
उसमें वह अपनी माँ की प्रतिछाया देखती है। प्रश्न नंबर 14, इस पाठ के आधार पर किसी एक घटना के परिवेश का वर्णन लिखिए। उत्तर है, लेखिका ने कीर्तन के परिवेश का सुंदर और यथार्थ चित्रण किया है। जैसे कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ, जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर की कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। यह घटना परिवेश का यथार्थ अंकन है। तो पूरे पाठ में से कोई भी घटना, इस तरह का प्रश्न आता है तो कोई भी छोटी सी घटना आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सफिया को अटारी में समझ ही नहीं आया कि कहाँ लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह अमृतसर शुरू हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि सफिया को लाहौर और अमृतसर में कोई अंतर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि दोनों नगरों की जमीन, बोली, पहनावा आदि एक जैसा था। दोनों तरफ के लोग एक ही भाषा में बात कर रहे थे, उनके मिलने का तरीका एक ही था, इसलिए सफिया को समझ नहीं आया कि कहाँ लाहौर ख़त्म हुआ और अमृतसर शुरू हुआ। आशा है स्टूडेंट्स आपको ये सारे उत्तर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, इसलिए मैं एकदम धीरे धीरे स्पष्ट शब्दों में इनके उत्तर बोल रही हूँ, ताकि आपको क्योंकि हम खुद पढ़ते हैं उससे ज़्यादा हम सुनकर जल्दी समझ सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे स्पष्ट शब्दों में मैं एक एक प्रश्न का उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, ताकि किसी प्रकार का आपको डाउट ना रहे। कभी कभी ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब कोई उत्तर हमारा सुना हुआ रहता है तो हम उस सुनने के आधार पर भी उसका आंसर लिख देते हैं। इसके लिए ध्यानपूर्वक आपको वीडियो को अंत तक देखना है, और कोई भी प्रश्न छूट जाता है या आपके दिमाग में आता है कि इस प्रश्न का भी उत्तर देना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका भी आंसर आपको खोजकर ज़रूर समझाऊंगी। आगे है, नमक कहानी में नमक किस बात का प्रतीक है? इस कहानी में वतन शब्द का भाव किस प्रकार दोनों तरफ के लोगों को भावुक करता है? तो नमक किस बात का प्रतीक है? इसका उत्तर इस प्रकार है, नमक कहानी में नमक प्रेम व सद्भावना के तोहफे का प्रतीक है। वतन शब्द का भाव ही है कि देश का बंटवारा होने के बावजूद लोगों के अंदर अपनी जन्मभूमि से लगाव समाप्त नहीं होता। वतन की याद हर एक के मन में कहीं ना कहीं दबी हुई है। देश की सीमाएं बहने के बावजूद, दोनों बटने के बावजूद आएगा यहाँ पर, बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। देश की सीमाएं बटने के बावजूद दोनों तरफ के लोगों को अपनी जन्मभूमि की याद आती है। तो किस प्रकार का नमक किस बात का प्रतीक है? प्रेम और सद्भावना का। अगला प्रश्न है, नमक कहानी तो यहीं समाप्त हो जाती है, जान नमक की पुड़िया लौटाता हुआ कस्टम अधिकारी कहता है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। अमृतसर वाला प्रसंग तो कहानी में पैबंद सा लगता है, उपयुक्त कथन पर तर्क सम्मत टिप्पणी कीजिए। ये कथन सही नहीं है। कहानी का उद्देश्य मानव मन की एकता बताता है। देश की सीमाएं बट जाती हैं, परंतु दिल नहीं विभाजित होता, वह अपनी जन्मभूमि से कभी अलग नहीं होता। अमृतसर वाला प्रसंग कहानी के दूसरे पहलू को व्यक्त करता है। कहानी का पहला अंश भारत पाक विभाजन पर आधारित है, परंतु दूसरा अंश पाक बांग्लादेश विभाजन पर आधारित है। भारत में रहने के बावजूद उसे ढाका की याद आती है। प्रश्न नंबर 18, नमक कहानी में सफिया एक पुड़िया नमक लाने के लिए इतनी व्यग्र और तत्पर क्यों दिखाई देती है? ये घटना किस मानवीय पहलू को रेखांकित करती है? नमक कहानी में सफिया एक पुड़िया नमक लाने के लिए अत्यधिक व्यग्रता व तत्परता दिखाती है, ये उसके भावनात्मक रूप को दर्शाता है। लेखिका सिख बीबी को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहती है, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वह कानून तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये घटना मानवता, भाईचारे, उदारता व सहिष्णुता को रेखांकित करती है। नमक कहानी में नमक की पुड़िया इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई? कस्टम अधिकारी उसे लौटाते हुए भावुक क्यों हो उठा?
इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, इस कहानी में नमक की पुड़िया के महत्वपूर्ण बनने का यह कारण है कि भारत पाक के बीच नमक का व्यापार गैर कानूनी था। दूसरे, ये विभाजन की यादों से जुड़ी है। कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया लौटाते हुए बाहू को उठा, क्योंकि हर व्यक्ति को जन्मभूमि से लगाव होता है। उस प्रेम की अनुभूति से वह भावुक हो उठा। अगला प्रश्न है, नमक कहानी भारत पाक के विभाजन के बावजूद मानवीय भावनाओं की समानता की कथा है, टिप्पणी कीजिए। नमक कहानी में भारत व पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं व संवेदनाओं को उभारा गया है। आज भी कलाकार व व्यापारी दोनों देशों में जाने के लिए लालायित रहते हैं। आम जनता भी इस विभाजन से दुखी है। भारत से उन्हें वे तमाम सुविधाएं आसानी से मिल सकती हैं, जिसके लिए उन्हें विदेशों में जाना पड़ता है। अगला प्रश्न है बच्चों, सफिया के लिए नमक इतना महत्वपूर्ण क्यों था? नमक लाने में किन किन का सहयोग मिला? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, सफिया के लिए नमक लाना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये नमक उसकी माँ जैसी महिला ने अपने जन्म स्थान से मंगवाया था। इस नमक को लाने में उसे लाहौर दिल्ली के कस्टम अधिकारियों की मदद ली। तो ये प्रश्न अच्छा है, आ सकता है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 22 जो है वह देखिएगा, उनको ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। नमक कहानी में लाहौर के कस्टम अधिकारी के इस कथन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, इसका नमक कहानी में लाहौर के कस्टम अधिकारी के इस कथन से सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि राजनीतिक निर्णय भावनाओं पर आधारित नहीं होते। पाकिस्तान व बांग्लादेश का निर्माण विरोध के आधार पर हुआ है। समय बीतने के साथ साथ नई पीढ़ी विभाजन की त्रासदी को भूल जाती है। इसके सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम करने वाले हैं, जो कि गत एग्जाम्स में पूछे गए हैं और संभावित आगे के लिए भी इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके। आपको बताना है कि पहलवान की ढोलक जो पाठ था उसमें पहलवान का नाम क्या रहता है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो सीरियसली देख रहे हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नमक किसकी रचना है? सफिया सजाद जहीर, रजिया सजाद जहीर, रजिया सिद्दीकी, रजिया खान। तो ये रचना है सफिया सजाद जहीर। सिख बीबी को देखकर हैरान हो गई रजिया मारिया सफिया जरीफा। तो सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान हो गई थी। सिख बीबी ने कैसा दुपट्टा ओढ़ रखा था? सिख बीवी ने सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा ओढ़ रखा था। सफिया की अम्मा सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा कब ओढ़ा करती थी? ईद में, मुहर्रम में, रमज़ान पर, रक्षाबंधन पर। तो सफिया की अम्मा सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। सिख बीवी ने सफिया के बारे में किससे पूछा? सिख बीबी ने सफिया के बारे में बहू से पूछा। सफिया किस धर्म से संबंधित थी? सफिया मुसलमान धर्म से संबंधित थी। सफिया अपने भाइयों से मिलने कहाँ जा रही थी? ढाका, अमृतसर, लाहौर, कराची। तो सफिया अपने भाइयों से मिलने लाहौर जा रही थी। सिख बीबी और सफिया कहाँ मिली थी? सिनेमा में, कीर्तन में, पार्क में, बाजार में। तो कीर्तन में मिली थी। हमारा वतन तो जी लाहौरी है, ये कथन किसका है? सफिया, सफिया का भाई सुनील दास गुप्त, सिख बीबी। तो ये सिख बीबी का कथन है। सिख बीबी ने लाहौर से क्या सौगात मंगाई? तो सिख बीबी ने लाहौर से नमक मंगवाया था। सफिया लाहौर में कितने दिन रुकी? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। तो सफिया लाहौर में 15 दिन रुकी। सफिया ने बादामी कागज़ की पुड़िया में क्या बंद कर रखा था?
टाटा नमक, सोडियम नमक, लाहौरी नमक, सिंधी नमक। तो सफिया ने बादामी कागज़ की पुड़िया में लाहौरी नमक को पैक कर रखा था। सफिया का एक भाई क्या था? डॉक्टर, अध्यापक, वकील, पुलिस ऑफिसर। तो सफिया का एक भाई पुलिस अफसर था। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। वाकई में सफिया ने अपनी माँ किसे कहा? तो यहाँ पर सफिया ने अपनी माँ किसे माना? सिख बीबी को। एक देश से दूसरे देश क्या चीज़ लेकर जाना गैर कानूनी है? हल्दी, नमक, मिर्च, जीरा। तो एक देश से दूसरे देश नमक लेकर जाना गैर कानूनी है। संतरे और माल्टे को मिलाकर कौन सा फल तैयार किया जाता है? संतरे और माल्टे को मिलाकर किन्नू तैयार किया जाता है। सफिया ने नमक कहाँ छिपाया था? तो सफिया ने नमक किन्नू की टोकरी में छिपाया था। क्या चीज़ हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है? तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का जो मेवा है वह है किन्नू। पाकिस्तानी कस्टम अफसर के अनुसार उसका वतन कहाँ है? तो ढाका, दिल्ली, लाहौर, कलकत्ता। तो पाकिस्तानी कस्टम अफसर के अनुसार उसका वतन दिल्ली है। सफिया कहाँ की रहने वाली है? लाहौर, अमृतसर, लखनऊ, कराची। तो सफिया लखनऊ की रहने वाली है। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ये कथन किसका है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है। तो ये कथन है पाकिस्तानी कस्टम अफसर का। पाकिस्तानी कस्टम अफसर ने कहाँ पर सलाम बोलने को कहा है? तो पाकिस्तानी कस्टम अफसर ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम बोलने को कहा है। हिंदुस्तानी नौजवान कस्टम अफसर कहाँ का रहने वाला था? तो हिंदुस्तानी नौजवान कस्टम अफसर ईस्ट बंगाल का रहने वाला था। हिंदुस्तानी कस्टम अफसर ने सफिया को क्या दिखाया? हिंदुस्तानी कस्टम अफसर ने सफिया को एक किताब दिखाई। हिंदुस्तानी कस्टम अफसर का नाम क्या था? तो इसका नाम था सुनील दास गुप्त। किताब के लेखक का नाम क्या था? तो किताब के लेखक का नाम था नजरुल इस्लाम। सुनील दास गुप्त के मित्र का नाम क्या था? तो सुनील दास गुप्त के मित्र का नाम था शमसुल इस्लाम। हिंदुस्तानी कस्टम अफसर को कहाँ की डाक पसंद है? चेन्नई की, कोलकाता की, ढाका की, गोवा की। ढाका की डाक पसंद है। किसका वतन कहाँ है वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ? यह किसके मन की आवाज़ थी? यह है सफिया के मन की आवाज़ थी। सफिया नमक कैसे लेकर जाना चाहती थी? झूठ बोलकर, चोरी से, छिपा कर, सच बोलकर। तो सफिया नमक सच बोलकर ले जाना चाहती थी। पाकिस्तानी पुलिस रेल से कहाँ उतरी? पाकिस्तानी पुलिस रेल से अटारी में उतरी। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया। इस वाक्य में सफिया ने अपनी माँ किसे कहा है? ये पहले भी आ चुका प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। यह वह सिख बीबी को अपनी माँ मानती है। सफिया के कितने सगे भाई पाकिस्तान में थे? तो सफिया के तीन सगे भाई पाकिस्तान में थे। अजीब से तात्पर्य है, अदब में रहना, फिल्म, संगीत, साहित्य। तो यहाँ अजीब का मतलब है साहित्य। किस रंग के कागज़ की पुड़िया में शेर भर लाहौरी नमक था? तो बादामी रंग की कागज़ की पुड़िया में। कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता को उसके बचपन के दोस्त ने किस अवसर पर पुस्तक भेंट की थी? जन्मदिन, नववर्ष, सालगिरह, दीपावली। तो जन्मदिन पर पुस्तक भेंट की थी। कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ने अपना वतन किसे कहा है? तो ढाका, दिल्ली, लाहौर, अमृतसर। तो ढाका को अपना वतन कहा है। सफिया का दिल्ली तक रेल का किराया किसने दिया था? बहन, सरकार, भाई, स्वयं। तो भाई ने दिया। अमृतसर में सफिया के सामान की जांच करने वाला नौजवान कस्टम अधिकारी बातचीत और सूरत से कैसा लगता था? गुजराती, पंजाबी, बंगाली, पाकिस्तानी। तो बंगाली लगता था। दो चाय लाओ, अच्छी वाली। कस्टम अधिकारी ने दूसरी चाय किसके लिए मंगवाई? तो दूसरी चाय कस्टम अधिकारी ने सफिया के लिए मंगवाई थी। सुनील दास गुप्ता को सालगिरह पर उसके मित्र ने पुस्तक कब भेंट की? 1946 में। सफिया के दोस्त ने हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता की मेवा किसे कहा है? किन्नुओं को कहा है।
आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। ये उक्ति किसने कही? ये उक्ति सफिया ने कही। सफिया के कितने सगे भाई पाकिस्तान में थे? ये फिर से आ चुका है प्रश्न, 3 भाई पाकिस्तान में थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट लगा रखे हैं उनको आपको खास ध्यान रखना है। आपकी तैयारी को मजबूत बनाते रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।